मुझे सिर्फ एक बात पता था कि मैं ऐसा क्या करूं कि सब ठीक हो जाए। अपनी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी नहीं। ड्रामा सीरियल हसरत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि बिया भी अरहम से अपने प्यार का इजहार कर देगी और अरहम उसे कुछ नहीं कहेगा। नेक्स्ट ऐसा लगता है कि फबिया को उसकी माँ थप्पड़ मारेगी तो फबिया घर छोड़कर चली जाएगी और फिर वो अरहम से हेल्प लेगी, फिर अरहम उसके साथ निकाह करेगा कि वो उसकी वजह से बदनाम हुई है, यानी कि वो इमोशनल ब्लैकमेल करके अरहम से शादी कर लेगी। सनाया ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगी और अपने बच्चों को लेकर जाने लगेगी, लेकिन अरहम बच्चों को उसे नहीं देगा और फिर वही होगा जो हमने मूवी बीवी नंबर 1 देखा कि दूसरी माँ बच्चों से बेजार होती है और अपनी सास से भी बेजार हो जाती है और फिर शौहर को अपनी पहली बीवी की कदर होती है और वो उसी के पास लौट कर आता है। वेल, थोड़ा फनी हो गया, लेकिन अगर यही कहानी आगे होनी है तो भी मज़ा ही आएगा। बस फर्क ये होगा कि वो मूवी थोड़ी फनी थी और ये ड्रामा काफी सीरियस। वेल, न्यू एपिसोड देखने के बाद एक और कहानी समझ में आने लगी है कि फरहीन अब हमजा पर डोरे डालने लगी है, तो फबिया के साइड पे होने की वजह से वो हमजा की तरफ थोड़ा सा झुकने लगी है। एनीवेज, देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें।